टेट 11th क्लास बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 11th क्लास के लेसन नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में पंच जगत अवधारणा के जो विभिन्न जगत हैं उनमें सबसे पहले जगत मदिरा के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है बेटा जगत मदिरा। देखिएगा पिछले वीडियो में हमने देखा कि पंचजगत वर्गीकरण पद्धति में जो कि आरएच विटेकर के द्वारा दी गई थी, इस पंचजगत पद्धति के अंतर्गत आरएच विटेकर ने समस्त सजीवों को 5 जगतों में बांटा था, जो हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी और जगत एनेमेलिया। इसमें सबसे पहला जगत बेटा जगत मोनेरा। इस मोनेरा जगत के अंतर्गत समस्त प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इन जीवों में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। इनके केंद्रीय भाग में आनुवंशिक पदार्थ बिखरा पड़ा रहता है। इस प्रकार के केंद्रक को केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। इनमें स्टॉम प्रोटीन अनुपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त इनमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। इनमें यदि राइबोसोम की बात करें तो इनमें राइबोसोम प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, जो कि 70 है इस प्रकार। इनमें श्वसन श्रृंखला के एंजाइम मीजोसोम में पाए जाते हैं। यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जगत मोनेरा के अंतर्गत हम पहले भी बता चुके हैं जीवाणु को रखा गया है। नील हरित शैवाल जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा इत्यादि जो प्रोकैरियोट्स है वो जगत मोनेरा के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। देखिए बेटा इस जगत मोनेरा में समस्त प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए गए हैं जिनमें वास्तविक केंद्र का अभाव हो रहा है, अर्थात इन प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रिका अनुपस्थित होती है तथा केंद्रक द्रव्य भी नहीं पाया जाता है।
इस प्रकार का जो केंद्रक है वो केंद्रकाव या न्यूक्लियोइड कहलाता है। इनमें जो गुणसूत्र है उनमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, केवल नॉन स्टोन प्रोटीन होती है। इनकी कोशिकाओं में दोहरे झिल्ली युक्त कोशिकाओं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम की यदि बात करें तो इनमें राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहलाते हैं। ये राइबोसोम कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पड़े रहते हैं तथा इसमें श्वसन श्रृंखला के जो एंजाइम है वो कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन के द्वारा निर्मित म्यूजोसोम नामक संरचना में पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोट्स में श्वसन श्रृंखला के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में उपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने के कारण ये म्यूजोसोम में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो इस जगत मोनेरा में जीवाणु नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा को सम्मिलित किया गया। अब हम देखते हैं सबसे पहले जीवाणु के बारे में। बैक्टीरिया नेक्स्ट है बैक्टीरिया या जीवाणु। इन जीवाणुओं को आकार के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कोकाश, जिन्हें बहुवचन में कोकाई भी कहते हैं। ये जीवाणु गोलाकार होते हैं। तो इस प्रकार के जीवाणु कैसे होते हैं? गोलाकार। सेकेंड बेसिलस, जिन्हें बेसिलाई बहुवचन में कहते हैं, इनको बेसिलाई। इस प्रकार के जो जीवाणु हैं वो छड़ के आकार के या दंडाकार होते हैं। नेक्स्ट है विब्रियो, विब्रियो जीवाणु। इस प्रकार के जीवाणु कोमा के आकार के होते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्पाइरिलम, स्पाइरिलम जीवाणु। इस प्रकार के जो जीवाणु हैं वो सर्पिलाकार होते हैं, ऐसे होते हैं सर्पिलाकार। तो देखिएगा आकार के आधार पर जीवाणुओं के कुछ प्रकार हैं। फर्स्ट है कोकस जीवाणु। इस प्रकार के जीवाणु कैसे होते हैं? गोलाकार, जो कि मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्राकोकस इत्यादि प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है बेसिलस जीवाणु। इस प्रकार के जीवाणु छड़ाकार या दंडाकार होते हैं, कैसे होते हैं? छड़ाकार अर्थात छड़ के आकार के या दंडाकार होते हैं। तो जब ये जीवाणु अकेले होते हैं तो इनको मोनोबैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोबैसिलस। तथा जब ये श्रृंखला में उपस्थित होते हैं तो इन्हें स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोबैसिलस। जिस प्रकार हमने कोकस को कहा था, ये गोलाकार होते हैं। जब अकेले होंगे तो मोनोकोकस, जब दो में होंगे तो डिप्लोकोकस, जब चार के समूह में होंगे तो टेट्राकोकस कहलाते हैं। और जब ये गोलाकार जीवाणु एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं तो इन्हें स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। थर्ड बेटा विब्रियो जीवाणु। तो इस प्रकार के जीवाणु कैसे होते हैं? कोमा के आकार के। फॉर एग्जाम्पल जैसे हैजे का जीवाणु
जो कहलाता है विप्रियो कोलेरी, ये हैजे के जीवाणु कोमाकार होते हैं। और लास्ट है स्पाइरिलम, इस प्रकार के जो जीवाणु है वो शर्पिलाकार पाए जाते हैं। नेक्स्ट जीवाणु को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें से पहला है आत्म जीवाणु या इन्हें आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं, प्रकार के जीवाणु हैं उन्हें वो सबसे प्राचीनतम होते हैं, इसलिए इन्हें पुरातन जीवाणु भी कहा जाता है। इस प्रकार के जो जीवाणु हैं इनकी कोशिका भित्ति में, इनकी यदि सहमान लेंगे कोशिका भित्ति, तो इनकी कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड है। तथा प्रोटीन की बनी होती है, और पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन होने के कारण ही जो आद्य जीवाणु या आर्की बैक्टीरिया है वो प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं। जैसे कुछ जीवाणु गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं, जिन्हें थर्मो एसिडोफिलस कहते हैं। तो थर्मो एसिडोफिलस प्रकार के जो आर्की बैक्टीरिया है ये गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं। जिनका जल लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म पाया जाता है। तो ये गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं जो थर्मो एसिडोफिलस कहलाते हैं। नेक्स्ट दूसरे प्रकार के जीवाणु हेलोफिलस कहलाते हैं। इस प्रकार के जो जीवाणु है वो लवणीय जलावासों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जीवाणु मेथेनोजन कहलाते हैं। ये मेथेनोजन जीवाणु जो है वो रूमिनेट प्राणियों में, इसमें रूमिनेट पशुओं में, रूमिनेट पशु का मतलब होता है ऐसे पशु जो बेटा जुगाली करते हैं, अर्थात जुगाली करने वाले वाले पशु। इन जुगाली करने वाले पशुओं में जो आते हैं वो आंतों में पाए जाते हैं, काम करते बेटा आंतों में, और ये भोजन के पाचन के द्वारा तथा गोबर से मैथेन गैस का उत्पादन करते हैं, उत्पन्न करते हैं मैथेन यानी कि CH4 गैस। और यही मैथेन जो बायोगैस होती है, इस बायोगैस का प्रमुख घटक होती है। तो देखो आर्की बैक्टीरिया को पुरातन जीवाणु भी कहते हैं या प्रिमिटिव बैक्टीरिया। इनकी कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड तथा प्रोटीन की बनी होती है, इसी कारण ये अत्यंत विषम परिस्थितियों में या विषम आवासों में पाए जाते हैं। जैसे थर्मो एसिडोफिलस जीवाणु की बात करें तो ये गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं,
हेलोफिलस की यदि बात करें तो ये लवणीय जलावासों में पाए जाते हैं। मैथेनोलस की बात करें तो ये रूमिनेंट पशुओं अर्थात जुगाली करने वाले पशुओं के आंतों में पाए जाते हैं, तथा ये जो भोजन है उसके पाचन द्वारा मैथेन, इसके अतिरिक्त गोबर से भी मैथेन गैस का उत्पादन करते हैं, और यही मैथेन इस बायोगैस का प्रमुख घटक होती है। दूसरे प्रकार के जो जीवाणु है अर्थात सेकेंड भाग है इसका प्रू बैक्टीरिया या सत्य जीवाणु। ये वास्तविक जीवाणु होते हैं इनकी यदि कोशिका भित्ति की बात करें तो इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। ये जीवाणु परजीवी हो सकते हैं जो कि अधिकांश पाए जाने वाले जीवाणु कह सकते हैं परजीवी। इसके अतिरिक्त स्वयंपोषी हो सकते हैं और स्वयंपोषी जीवाणु या तो प्रकाश संश्लेषी होंगे या रसायन संश्लेषी होंगे। इस प्रकार के जीवाणु प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएंगे या जो विभिन्न रसायन है उनसे प्राप्त ऊर्जा के द्वारा अपना भोजन स्वयं प्राप्त है। इस प्रकार के जीवाणु कहलाते हैं स्वपोषी जीवाणु। कुछ जीवाणु जैसे नाइट्रोबैक्टर रेजोगियम इन जीवाणुओं में एंटोफिक्सेशन की क्षमता होती है अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है जिसके प्रस्तुत यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में अर्थात नाइट्राइड और नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इनमें से रेजोबियम जीवाणु यह जीवाणु लेग्यून पादपों जैसे ही बात करें हम लेग्यून पादप है चना इन लेग्यून पादपों की जड़ों में उपस्थित होता है तो जड़ों में यह जीवाणु मूल ग्रंथिकाओं का निर्माण करता है और इन्हीं मूल ग्रंथिकाओं में रहकर यह सहजीवी के रूप में इन मूल ग्रंथिकाओं में रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। नेक्स्ट इन वास्तविक जीवाणुओं में यदि हम जनन देखें तो इनमें जनन तीन प्रकार से होता है पाइप जनन यह पाइजनन खंडन विखंडन तथा मुकुलन विधियों के द्वारा होता है। सेकेंड है एलएनटी जनन तो इनमें एलएनटी जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है इसके द्वारा होता है यह बीजाणु के रूप में कोनिडिया है
अंतःस्थोर अंतःबीजाणु इत्यादि के द्वारा होता है। फाड़ देंगे लैंगिक जनन तो सामान्यतः जो जीवाणु है इन जीवाणुओं में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी इनमें आनुवंशिक पदार्थ का पुनर्योजन होता है। तो इनमें लैंगिक जनन के अंतर्गत सामान्य प्रकार का लैंगिक जनन नहीं होता, केवल आनुवंशिक पदार्थ का पुनर्योजन होता है। तो इनमें लैंगिक जनन रूपांतरण संयोगमन अर्थात कंजुगेशन व ट्रांसडक्शन अर्थात पराक्रमण इत्यादि के द्वारा जो आनुवंशिक पदार्थ है उनके पुनर्योजन के द्वारा लैंगिक जनन संपन्न होता है। नेक्स्ट देखो बेटा जगत मोनेरा में, जगत मोनेरा में हमने बात की थी जीवाणुओं के अतिरिक्त नील हरित शैवाल के बारे में। नील हरित शैवाल जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, इन नील हरित शैवालों को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके जो कुछ सदस्य हैं जैसे नॉस्टो एनाबिना इत्यादि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है। तो इन एनाबिना नोस्टॉक के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं। कोशिकाओं के कारण इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, अर्थात ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्राइड व नाइट्रेट में परिवर्तित कर सकते हैं। और लास्ट बात करें हम माइकोप्लाज्मा की, तो इसमें थर्ड एग्जांपल हमने बताया था माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे आकार के प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं